इसमें भी तुमने ओनली सिप्तान तो नहीं लिखवाया। अगर तुम्हारा नाम हुआ ना सिर्फ ओनली सिप्तान तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं, तुमने बटन पे फाइनली यार नाम से क्या होता है यार। मैं आपको सबको बता देता हूँ, पहले तो हम जाकर हैं और शियान भी सुन ले, फिर देखना कि वो कैसी कंट्री है। तो यार हम सब जा रहे हैं, मैं और तुराब और कोई नहीं जा रहा, शियान को नेक्स्ट टाइम लेके जाएंगे हम भाई जा रहे हैं। सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, कैसे हैं आप सब, होप कि आप सब ठीक हो। यार मुझे पता है आप लोग मुझे एक महीने से ढूंढ रहे हो, व्लॉग नहीं आ रहा मेरा यार, मसला है यार बहुत बड़ा मसला है यार, मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर रहा यार, मुझे मारो शियान मुझे मारो, बल्कि आप नहीं मारो आप तो छोटे हो, तो आपको बुलाता हूं मैं, दो दिन लगाया मुझे ताकि मुझे समझ आए के मैं व्लॉग डालू। अबे गला दबाओगे तो व्लॉग कैसे आएंगे, कमेंट्स में कह रहे थे कि भाई सत्यान का गला दबा दो, ये व्लॉग मार ही दो मुझे, मार ही दो यार तुम। तो खैर यार कोई बात नहीं यार, ये तो चलता रहता है, मेरा रोज का ड्रामा है, तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा, हमेशा की तरह मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ यार, कृपया मुझे क्षमा करें भाई। पीछे से देख लो तुम लेके आ गए थे, एक महीना हो गया ये आया हुआ है। तो यार मैं काफी टाइम से कोशिश कर रहा था कि मैं आपको ये दिखाऊं, लेकिन मैंने सोचा यार अभी नहीं दिखाता, मैं आपको दो दो सरप्राइज एक साथ दूंगा ना, तो यार आज की वीडियो में ना दो सरप्राइज है, एक हमारा ये गोल्डन प्ले बटन जो तुराब एंड सिप्तान इस चैनल पर आया है इसके लिए भाई मन मिलन नहीं हो गया हमारे, पता तो होगा आपको, बाकी एक और सरप्राइज है बहुत ही अच्छे वाला, वो भी आपको दिखाता हूँ। उनको पता है आया हुआ है, ये सबको पता है, मैंने खोला नहीं, कब से इंतजार कर रहे थे आप लोग, आज इसकी अनबॉक्सिंग होने वाली है। ये पता है कब का आया हुआ है तुम्हारे, मुझे पता है एक महीना हो गया पड़ा है, मैंने कहा जब ही खोलूंगा जब नया व्लॉग डालूंगा। आपको पता है मैं एक महीने बाद ही डालता हूँ, नहुसत और सुस्ती बंदे में नहीं होनी चाहिए कम से नहीं नहीं भैया वो मेरे साथ होता है जितना होता है, लेकिन अपने अपने चैनल पे तो कम से कम महीने में एक वीडियो, तो मुझसे इंस्पिरेशन ले लो कैसे दिन में दो दो वीडियो बनाता हूं। चले जी चले आज। तो यार अभी मेरे पास आ चुका है गोल्डन प्ले बटन, और इस पे तो आपको नहीं पता कि क्या लिखवाया है मैंने, किसका नाम लिखवाया है, इसका तो पता चलेगा। मतलब यार आओ बैठो, इसमें भी तुमने ओनली सिप्तान तो नहीं लिखवाया, दो दो मेरा, मैं वीडियोस मैं बनाता हूं, नाम खराब करना यार, तुमने बोला था मैं गोल्डन पे दोनों का नाम लिखवाऊंगा, तो मुझे तो अभी पता चलने वाला है मैंने किसका नाम लिखवाया इसके ऊपर। इस दफा सारी वीडियोस उठा के देख लो, सब में मैंने किया है, सारी मेहनत मेरी है, और नाम तुम्हारा लिखवा दो ऐसे ही फजूल में। तुम इसको हाथ भी लगा सकते, दिस इज माइन, ओके 1 2 3 बोल रहा हूँ। अगर तुम्हारा नाम हुआ ना सिर्फ ओनली सिप्तान तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं, तुमने बटन पे फाइनली यार नाम से क्या होता है यार, अभी रिवील होने लगा है भाई हमारा गोल्डन प्ले बटन जिस पे है नाम। तो यार ये भी देख ले सबसे पहले ये क्या है। मैंने देख लिया। यस थैंक यू ब्रो। तो यार मैंने इस दफा नाम दोनों के लिखवाया है, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखे हैं वाओ, शायद आपको नजर आ रहा होगा, मैंने कहा दोनों यार बेचारा बच्चा खुश हो जाएगा। ये देखें यार गौर से देख ले, हमारा सेकंड गोल्डन प्ले बटन है ये, पहले शहर में देहात का और अब तुराब एंड सिप्तान का। थैंक यू सो मच यार, आप लोगों की वजह से सारा कुछ हुआ है ये, सिप्तान ने तो शुक्रिया अदा नहीं किया, मैं कर रहा हूँ आपको। मैंने क्या कहा। अच्छा अच्छा पहले किया था तुमने, लेकिन मैंने नहीं किया था ना, आज मैं बोल रहा हूँ ना सबको। तो अभी दोस्तों हम इसको ना यहाँ पर अरेंज करते हैं, हमारा सेकंड गोल्डन प्ले बटन शहर में देहात के साथ। क्या मतलब सिप्तान इसका साइज बड़ा लग रहा है ना, चेंज हुआ है क्या, ये प्रो है और ये प्रो मैक्स। तो यार शायान अभी स्कूल गया हुआ है, तो उसको भी बताना है वो सरप्राइज क्या है, और आपको भी बताएंगे हम कहाँ कहीं जा रहे हैं। यार आपको बताता हूँ मैं, हम आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं भाई, पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, और अभी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, शायान को भी और आपको भी। और ये बंदा अभी संभाला नहीं जा रहा मुझसे, कब से शायान का भाई तंग करे जा रहे हैं यार, अली क्या कर रहे हो यार तुम, यहाँ पर ये सीढ़ियों के ऊपर चढ़ जाता है फिर गिरने का खतरा होता है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर इशू रह गया, तो मैंने इधर ही रख दिया सारा भाई, ताकि ऊपर न चढ़ सके, अभी ऊपर नहीं जा सकता तो ये बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, बाहर भी खतरा है भाई, इसको बंद कर देते हैं, बस अंदर ही रहो तुम, कान खोल के सुन लो, तुमने शयान की तरह हरकतें की ना, अब दोबारा अपने मिशन पे लग जाएगा दरवाजा खोलने के, जो कि ये कभी भी नहीं खोल सकता क्योंकि यहाँ से लॉक है। क्या लेने गई भाई, इसकी जबान तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती, आपको अगर कुछ समझ में आया आपने बताना है किसने क्या बोला। तो यार शान बहुत ज्यादा सैड हो रहा है, इसको किसी ने बता दिया कि हम पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं और काफी ज्यादा सैड है, कहता मुझे भी लेके जाओ, बात तो सुन लो एक दफा मैं आपको यार
तो यार सिप्तैन मना रहे शयान को कि भाई हम ना बहुत दूर जा रहे हैं, वहां पर बच्चे अलाउ नहीं होते। हाँ। पत्नी अब देखो शयान मानता है, मैं आपको सबको बता देता हूँ, पहले तो हम जा कर रहे हैं और शयान भी सुन ले, फिर देखना कि वो कैसी कंट्री है। तो यार हम सब जा रहे हैं, मैं और तुराब और कोई नहीं जा रहा, शयान को नेक्स्ट टाइम लेके जाएंगे। हम भाई जा रहे हैं मलेशिया, यानी कि फर्स्ट टाइम जा रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, जिसकी मुझे एक्साइटमेंट भी और थोड़ा सा डर भी है कि अकेले जाएंगे, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, इस वजह से इसको नहीं लेके जा सकते ना। हाँ ना की कोशिश क्यों नहीं कर रहा हूं, मेरी तरफ देखो यार, प्लीज यार ये देखो, हम ना उधर पहली दफा जा रहे हैं चाचू, हमें कुछ भी नहीं पता उधर क्या होता है, कैसे रहना होता है, क्या बोलना होता है, इस वजह से नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपको साथ लेके जाएंगे। आपको जुबान आती है मलेशिया में, क्या बोलते हैं पता है, कौन सी जुबान बोलते हैं, फिर क्या बोलोगे उनको, भूख लगेगी खाना कैसे मांगोगे? तो यार पता नहीं हमारा क्या बनता है, हम जा तो रहे हैं उधर, जाएंगे फिर पता चलेगा कि किस तरह से हमारा वहां चोर है, हमने वहां पे कत्ल करने जाके, मतलब यार फर्स्ट टाइम जा रहे हैं ना, हमें कुछ पता नहीं, आइडिया नहीं है, मैं संभाल लूंगा सबको, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, तुम्हारा छोटा अच्छा, भाई तुम्हारे साथ है, तुम्हें किसी को हाथ भी तुम्हें कोई नहीं लगा सकता वहां पे। तो बस यार बस कल हम जा रहे हैं मलेशिया, कल नहीं जा रहे परसों जा रहे हैं, परसों जा रहे हैं, परसों की फ्लाइट है, ओ भाई 28 की रात को जाना है, मतलब कि कल रात 2 बजे तकरीबन। हाँ हम कल निकल पड़ेंगे यहाँ से लाहौर और उसके बाद जाएंगे मलेशिया। ओके तो यहाँ पे यार मैंने एक चीज मंगवाई जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे यूज में आएगी हमारे, यहाँ पर देखें हमारी ब्रांड पावर बैंक भाई साहब, आईफोन की तरह तो खोलने दो। हाँ तो यार आप सबने सुन लिया है कि हम कहाँ जा रहे हैं, बाकी बस थोड़ी बहुत प्लानिंग करनी है, पैकिंग वगैरह और कुछ सामान भी लेना, मैंने कुछ जरूरत की चीजें हैं जो कि मैं वहाँ पे काम आएगी, बैग्स वगैरह नहीं है हमारे पास, शॉपिंग बैग्स होते हैं क्या होते हैं यार, व्हाटएवर बैग्स होते हैं, कुछ भी नहीं है हमारे पास, और तो आप कोई काम नहीं करा रहा भाई मेरा, मैं सारा कुछ मैंने संभाला हुआ है अभी तक सब कुछ, तो अभी भी वो एज यूजुअल कुछ भी नहीं कर रहा, मैं ही संभाल रहा हूँ सब कुछ। ये बंदा तो वैसे भी किसी काम का नहीं है, किसी काम की हो, कोई काम करवाते हो? सही कर दो। 2 hours later आज यार बहुत ज्यादा लेट हो रहे हैं, तुम्हें पता भी है, 2 घंटे तुम तैयार करने में लगा रहे हो, मेकअप करते हो क्या, जैकेट पहनी है यार, क्या जैकेट पहने, 15 मिनट लगा दिए, चलो चलो चलो। तो भाई जल्दी से चलते हैं और सारे काम करते हैं। सर यहाँ पर बैग्स वगैरह हमें नजर आए हैं, तो यहाँ से कोई बैग वगैरह पकड़ते हैं जल्दी से। देखो यार इतने ज्यादा हैं, देखो कोई अच्छा सा ले लो, मैं तो यहाँ से ले लो, ये इस तरह अच्छा लग रहा है मुझे, इस तरह के ये सही है यार, आगे फिर मसला करें बाद में यार, जल्दी जल्दी लो जो भी करना है, बंद होने वाली शॉप। तो यार एक हमने ये वाला फाइनल किया है और एक वहाँ पे पड़ा, तो आप निकालो ये 2 कर लेते हैं यार, एक थोड़ा सा बड़ा है और ये छोटा है, ये छोटा अपने में रख रहा हूँ और बड़ा तो आपके लिए। तो यार बैग वगैरह लेके हम निकल चुके हैं घर की तरफ, काफी ज्यादा लेट हो गए हैं ऑलरेडी, तो भाई हम सीधा जाते हैं अब घर, रेस्ट वेस्ट करते हैं और वहीं पे आपसे मिलते हैं। ओ भाई, 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 भाई। चलाते हैं, व्लॉग नहीं बनाना चाहिए गाइस। तो फाइनली यार हम घर पहुंच चुके हैं, अभी रेस्ट वेस्ट करते हैं, और ये बंदा यार खाई जा रहा है कब से, तो आप बस कर दो यार, ऐसे नींद नहीं आनी थी तुम्हें, नहीं आनी थी, खा लो। तो यार हम घर पहुंच चुके हैं, बहुत ज्यादा थक गए हैं, अभी रेस्ट करने का टाइम हो चुका है, बाकी मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि हम कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, तो भाई 2 दिन के अंदर हम मलेशिया जाने वाले हैं इंशाल्लाह, और हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बड़ा मजा आने वाला है भाई। हाँ मलेशिया में कौन सी जबान बोली जाती है? मलेशिया में मलाई जबान मुझे नहीं पता कसम से। अब इसके काम देखे यार, मुझे से पूछ रहा है, अब 2 दिन में अभी उनकी जबान सीखेगा, इतना तुम्हारी अकल है, इतना तुम नहीं हो भाई, तुम मालूम। मैं वैसे कह रहा हूँ कि हमें पता तो होना चाहिए जबान कौन सी होती है भाई, भाई एक दो लफ्ज सीख लेंगे बस ठीक है। तो खैर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, व्लॉग में एंड करने लगा हूँ, बहुत ही मजा आने वाला, एक्साइटमेंट है अभी बहुत ज्यादा, वहां पर जाएंगे तो तभी आपको पता चलेगा ना, पर मिलते हैं यार जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।